दोस्तों मौजूदा वक्त में इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। जब भी इंसान के शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो दवाओं या ऑपरेशन के जरिए इसका इलाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले कैसे बीमारियों को मात देते होंगे? अब इससे जुड़े कुछ अहम सबूत हाथ लगे जिसे देखने पर पता चलता है कि हजारों साल पहले भी इंसान के पास उन्नत चिकित्सा तकनीकी थी। देखिए दोस्तों, मानव सभ्यता बेहद पुरानी सभ्यता है और लगभग हर कोई इस बात से इत्तफाक रखता है कि पुराने समय में भी लोग काफ़ी एडवांस हुआ करते थे। कम संसाधन में भी जिस तरह से उम्दा काम होता था उसके नमूने धीरे धीरे ही सही मगर अब तक सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उस समय की एडवांस सर्जरी को लेकर सामने आया है जिसे देख एक्सपर्ट भी आश्चर्य में है कि ये उस समय के लोगों ने इस सर्जरी को कैसे संभव किया होगा, क्योंकि ये सर्जरी हजारों साल पहले की गई। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं उज्जवल स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। चैनल पे अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों दरअसल एक्सपर्ट के हाथ एक मानव की खोपड़ी लगी है। माना जा रहा है कि यह खोपड़ी करीब 2000 साल पुरानी है, मगर इससे भी ज्यादा चौंकने वाली बात यह है कि वह इस मानव की खोपड़ी सर्जरी की हुई है। इसकी सर्जरी में जो धातु का इस्तेमाल किया गया वह अभी तक पता नहीं चल सका है कि सर्जरी में किस धातु का उपयोग किया गया। और दोस्तों 2000 साल पहले कैसे इस सर्जरी को किया गया होगा, क्योंकि आज के मुकाबले उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी। वैसे यह एक सोचने वाली बात है, खैर फिर भी पेरू के लोगों ने यह कारनामा कर दिखाया। दोस्तों अमेरिका के ओक्लाहोमा में म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रोलॉजी एक कंकाल का म्यूजियम है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इंसानों के कंकाल रखे हैं। इसमें से कुछ तो हजारों साल पुराने हैं जिन पर रिसर्च किया जा रहा है। हाल ही में म्यूजियम में रखी एक खोपड़ी ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। उस खोपड़ी पर विशेष धातु की प्लेट लगी थी। इस मानव खोपड़ी के जिसके दाईं तरफ के हिस्से में फ्रैक्चर का निशान है, जिसकी जांच करने पे पता चला कि वह किसी सैनिक की खोपड़ी है और जब युद्ध के दौरान उसके सिर पर चोट लगी होगी तो उस वक्त के डॉक्टरों ने सर्जरी की थी। दोस्तों इसे एक खास धातु से जोड़ा गया है। एक्सपर्ट अभी तक यह पता नहीं लगा सके हैं कि यह धातु कौन सा है, क्योंकि यह मानव खोपड़ी पुरानी है, इसलिए पता करना थोड़ा एक्सपर्ट के लिए मुश्किल हो गया है। वैसे एक्सपर्ट का अनुमान है कि यह खोपड़ी करीब 2000 साल पहले किसी युद्ध में घायल हुए शख्स की है। एक्सपर्ट की माने तो युद्ध से लौटने के बाद घायल शख्स के सिर पर सर्जरी की गई और टूटे हिस्से को जोड़ने के लिए खास धातु का इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि सर्जरी के बाद शायद इंसान की जान बच भी गई हो, क्योंकि सर्जरी की सफलता को लेकर अलग अलग दावे भी किए गए हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि जिस तरह से हड्डी टूटी हुई दिख रही है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति या तो अपंग हो गया होगा या फिर उसकी मौत हो, क्योंकि सिर में इस तरह की चोट के बाद सही सलामत रहना बेहद मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस सलीके और खास धातु के जरिए सिर के टूटे हिस्सों को जोड़ा गया वह उस वक्त की परिस्थितियों और हालात को देखते हुए हैरान करने वाली बात है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस खोपड़ी में धातु कौन सी लगी है, इसका पता क्यों नहीं चल पा रहा है। देखिए म्यूजियम के अधिकारियों की माने तो टूटे हिस्से को जोड़ने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल में लाई गई इसका तक पता नहीं लगा सके। वैसे इन्होंने यह जरूर कहा कि ऐसे हिस्से की सर्जरी में अब तक सोने या चांदी का इस्तेमाल किया जाता था, मगर यह धातु इन दोनों से बेहद अलग है। अधिकारियों का दावा है कि यह मानव खोपड़ी हमारे म्यूजियम की बेहद रोचक और पुराने संग्रह में से एक है। दोस्तों वैसे तो म्यूजियम में इसे लोगों को दिखाया नहीं जाता था, लेकिन जब इसकी सर्जरी की बात सामने आई तो 2020 में इसे लोगों को दिखाया जाने लगा। उन्होंने आगे कहा कि यह एक पेरवन लंबी खोपड़ी है जिसमें धातु के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जांच में ये बात साफ हो गई कि यह सफल सर्जरी थी, क्योंकि आसपास का हिस्सा पूरा सुरक्षित है। दोस्तों मौजूदा वक्त में अगर किसी शख्स की हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर के जरिए उसको फिर से जोड़ा जाता है। अगर उसके बाद भी हड्डी ना जुड़ी तो विशेष धातुओं से बनी रॉड या प्लेट के जरिए जोड़ा जाता है। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन के लिए हाईटेक मशीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यह नहीं समझ में आ रहा है कि उस वक्त कैसे दिमागी हिस्से में हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। सोचने वाली बात यह है कि पेरुवन सर्जन कैसे करते थे उस समय इलाज। चिकित्सा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध के दौरान हथियारों और पत्थरों के प्रहार से योद्धाओं के सिर पर ऐसी चोट आम बात थी और उन्हें पेरुवन सर्जन ठीक कर देते थे। इनके बारे में कई और जानकारियां किताब में लिखी है। वे सामान्य औजार की मदद से सिर में
छेद करके उसकी सर्जरी कर देते थे। दिलचस्प बात यह है कि पूरी सर्जरी घायल शख्स को बेहोश किए बिना उसके होश हवास में की जाती थी। इसके लिए उस समय कोई ना एनेस्थेसिया ना स्टेरॉयल तकनीकी ही नहीं होती थी। फिर भी पेरू ने इस सर्जरी को कैसे किया होगा, ये अब तक रहस्य बना। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सर्जरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।